आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, आजकल थोड़ी मसरूफियत चल रही है तो मैं इस मौजू पर वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि लोगों को तालीम और शऊर देने के लिए कम अज कम इस तरह की वीडियोज बनाना तो हमारे फराइज में शामिल है बीइंग अ मीडिया पर्सन। लोगों में गलत फहमियाँ हैं, लोगों ने मजहब को कल्चर को एक साथ जोड़ दिया है और अलग अलग तरीकों से अपनी मनमानी करके अपने ही कवानीन लागू किए हैं, लेकिन जब वो अपनी इन मनमानियों से किसी को तकलीफ दें, यहाँ तक कि उसकी जान के दर पे आ जाए, तो यहाँ हमारा समझाना बनता है। फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो जरूर देख रखी होगी जिसमें एक खातून पाकिस्तान में बाजार गई, उन्होंने एक ऐसा ड्रेस ज़ेब-ए-तन कर रखा था जिसमें तहरीर था अरबी में हलवा। हलवा का मतलब स्वीट होता है, मीठा, लेकिन हलवा कहा जाता है अरबी में खूबसूरत को। तो एक औरत का ड्रेस है और उसमें लिखा हुआ था अरबी में खूबसूरत। और फिर जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि उसके बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट शरपसंद लोगों ने उसको देखा, घेरा, उससे बहस मुबाहिसा किया, एक दुकान पर उसको हिरासा किया। ये भी कहा जा रहा है कि उसको फौरन वो कपड़े उतारने को कहा गया, उस पर तौहीने रिसालत का इल्जाम तोहमत भी लगा दी गई। अब जिस पर तौहीने रिसालत का इल्जाम और तोहमत लगा दी जाती है तो उसके लिए कैसे वाकयात माजी में हुए हैं आप सबको उसका भी मालूम है। इन सब चीजों को बहुत सख्ती से निमटने की जरूरत है और खासतौर पर इस वाकये में जिसने इन खातून ने वो पोशाक ज़ेब-ए-तन की थी जिसमें कैलीग्राफी थी, जिसमें अरबी में लिखा हुआ था हलवा, जिसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि महज उसका मतलब है खूबसूरत। उन्होंने कोई भी कानून शिकनी नहीं की थी, ये एक लिबास था जो उन्होंने पहना हुआ था और जिसको मजहब का लिबादा पहनाकर जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि उस औरत को नुकसान पहुंचाने की कोई ना कोई तरकीब निकाल ली जाए। यहाँ तक कि ये भी धमकी दी गई कि इन खातून को अगर सजा नहीं दी गई तो फिर पूरे मुल्क में अमन व अमान खराब किया जाएगा, जलसा जुलूस निकाला जाएगा। यहाँ तक भी ना सोचा गया कि पाकिस्तान में आजकल हालात कैसे हैं। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं कर सकता है और जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है वो यकीनन इस बात का इंतजाम करें कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के हालात पैदा ना हो, किसी को भी दोबारा इस तरह से हिरासा करने की हिम्मत ना की जा सके। मुझे तो उन विक्टिम खातून की वीडियो देख कर ही इतना अफसोस हुआ और मैंने बार बार वो वीडियो देखी और जितनी बार देखी मेरा अफसोस बढ़ता ही गया। और हम सब ने देखा कि जब वो पुलिस ऑफिसर खातून उन विक्टिम खातून को, उन मजलूमा खातून को बचाकर लेकर जा रही थी तो वो मजलूम खातून एक खाने की रेड़ी के कोने से टकरा गई, उनको वहाँ चोट आई, उनका मुंह ढका हुआ था। बहुत अच्छा किया जो उन पुलिस ऑफिसर खातून ने उस मजलूमा का चेहरा ढक दिया। मैं तमाम मीडिया वालों से ये कहूँगी, मैं बल्कि तमाम लोगों से ये कहूँगी कि वो इस वाकये को ज़रूर लोगों को बताएं, दिखाएं कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन उन मजलूम खातून का चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस वीडियो में इन खातून का लिबास दिखाना इसलिए मकसूद है क्योंकि इसमें लिखा क्या है मैं वो आपको बावर करा सकूं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इनका जो चेहरा है वो आपको दिखाना मुनासिब नहीं समझा, जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दा जरूरी है, इशू जरूरी है, खातून का चेहरा क्या है, वो कौन है, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं उन खातून की शुक्रगुजार ज़रूर हूँ कि उनके तवस्सत से आज हम इस मसले के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बहुत अहम बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी, ज़रा गौर से सुनिए। उन मजलूम खातून ने पब्लिक के सामने आकर माफ़ी ज़रूर मांगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खातून गलत है। हम सब साहिब अकल हैं, हम सब के पास दिमाग है, सोचने समझने की सलाहियत है। उन्होंने अमन व अमान कायम रखने की खातिर ये सब कुछ किया क्योंकि ये धमकियाँ दी जा रही थी कि हम जलसा जुलूस करेंगे, उसके बाद उनकी अपनी भी जान खतरे में थी। अब ये साहिब इख्तदार लोगों का, मुख्तदर इदारों का फर्ज बनता है कि जिसने भी इसको हिरासा किया है उसको सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। अब मैं आगे लोगों के शऊर के लिए ये बताना चाहूंगी कि इस तरह की जो कैलीग्राफी या हरूफ वगैरह मलबूसात पर लिखे होते हैं उनके लिए इस्लामी रॉ से क्या समझा जाए। तो मैंने जद्दा दावा सेंटर के जनाब मोहम्मद आकिल साहब आपसे राबता किया ताकि वो उर्दू में इस मामले में बता सके, सुनिए। देखिए, हुर्फ तहज्जी या किसी हुर्फ के कपड़े पर लिखे होने से उसकी हुर्मत नहीं है या वो तकद्दस या मुकद्दस नहीं बन जाता। पाकिस्तान के अंदर या सऊदी अरब के अंदर कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है जहाँ के आप अरबी में कुछ ना लिखा हुआ हो। मैं जो तो पहनता हूँ वो एक ब्रांड है और उस ब्रांड का नाम अरबी में लिखा होता है, सिंधी है या लुमार है या महियार है। इस तरह के हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कोई अकबर टेलर है,
अब अकबर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम भी आ गया और उसका टेलर भी लिखा होता है, तो क्या उसको अकबर नाम अल्लाह का रखकर वो पहनता है? नहीं, हालांकि वो कॉलर के पीछे होता है, उसकी बेअदबी भी हो रही होती है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। ये असल में एक प्रोपेगंडा है जहालत को फरोग देने का और इंसानों को उनकी जिंदगियों को तंग करने का, और कुछ नहीं है। और हर आदमी सजा देने का अहल नहीं है। अगर किसी ने, अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की सजा, कोई इस तरह का काम करता भी है, तो उसको सजा हुकूमत देती है। ये नहीं है कि आप जंगल राज है, जंगल राज नहीं है। यहाँ हर कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है उसके ब्रांड के तहत। कोई अकबर टेलर का पहन रहा है, कोई रहीम टेलर का पहन रहा है, कोई ताज टेलर का पहन रहा है, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं उर्दू और अरबी के अल्फाज हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस औरत बिचारी को। उसने हलवा तो मिठाई को भी कहते हैं, हलवा अपने आप को भी वो कह रही होगी कि चलिए मैं खूबसूरत हूँ, तो उससे बजाय इसके कि आप उसको ये कहते कि आपने वहां बांग्लादेश में क्या हुआ था, एक जगह लोग पेशाब किया करते थे, तो पेशाब उन्होंने मुख्तलिफ जुबानों में लिखा कि यहाँ पर पेशाब ना करें, तो किसी ने नहीं सुनी। किसी ने हुकूमत को ये मशवरा दे दिया कि यहाँ पर अरबी में कुछ लिखवा दें, तो अरबी में उन्होंने लिखवा दिया कि यहाँ पेशाब ना करें। तो जब अरबी की उनकी तहरीर वहां पर देखनी शुरू हो गई कि यहाँ अरबी में लिखा गया है, तो वहां पर अगरबत्तियां जलनी शुरू हो गई, जुमेरात को लड्डू और बताशे बटने शुरू हो गए। तो इन बेवकूफों को हर अरबी की तहरीर ऐसी लगती है जैसे कुरान हो, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से हर अरब को ये सहाबी समझते हैं, बेवकूफ हर अरब को ये समझते हैं कि ये सहाबी की औलाद हैं, सहाबी हैं, और हर अरब को ये रसूल समझते हैं कि ये मासूम अनिल खता है, हालांकि मासूम अनिल खता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया हुआ करते हैं। तो ये गलत फहमी है इन लोगों की, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम दे। इस्लाम इतना मुश्किल मजहब नहीं है जितना के शिद्दत पसंदी का रवैया अपना कर आपने बना रखा है। याद रखिए, एक्सट्रीमिज्म इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, शिद्दत पसंदी नॉर्मल रवैया नहीं है। खुद को जानिए, पहचानिए, एजुकेट कीजिए, ज़हनी बालिदगी हासिल कीजिए और तरक्की की जानिब अपने आप को रवा दवा रखें। समझबूझ और शऊर की मंजिलों को हासिल कीजिए। और हाँ, ये बात भी समझने की है कि मुजरिमों ने इस्लाम की मजहब की आड़ में अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों को जायज बना रखा है, तो इस असलूब को भी, इस रवैये को भी पहचानिए। सजा और जजा को यकीनी बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, मीडिया को भी चाहिए कि सनसनी खेज खबरों में खुद को जाया करने के बजाय अक्ल व शऊर फराहम करने वाली खबरों पर ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारी समझें, पहचानें और अदा करें। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव से वीडियो के साथ। सोचल दन मैं, अस्सलाम, बाय बाय।